पूछा कि तूने क़यामत की क्या तैयारी की है, तो साहबी क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए, अगर आज की इस तकरीर में कुछ भी याद ना रहे तो ये हदीस पाक का एक जुमला याद करके जाइए और आज की इस महफिल मिलाद का इसे तोहफा समझिए जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वो क्या? सहाबी ने कहा, हजूर मैंने और तो कोई तैयारी नहीं की, मैं फकत यही मेरी तैयारी है आका, मैं आपसे प्यार करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अल्लाहु अकबर। हजूर खामोश हो गए। हजूर ने उससे क्या पूछा था, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मुझे पता चले कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं। मेरे आका ने उससे क्या पूछा था कि तू जो क्यामत क्यामत बार बार पूछ रहा है तो बता तूने क्यामत की तैयारी क्या की है। उसने जवाब में क्या कहा, उसने कहा हजूर मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। अब इस पर हजूर ने यह नहीं फरमाया जा मेरा प्यार कोई काम नहीं आएगा, जाके नमाजें पढ़, रोज़े रख, हज कर, ज़कात दे, तिलावत कर। अरे रोज़ा, नमाज, हज, तिलावत, जिहाद, ये तो हम करें ही और करना चाहिए, इसलिए कि ये सब अदाएँ हैं मुस्तफ़ा की। जो मुस्तफ़ा के रुख वद्दुहा का आशिक होगा वो किसी सूरत में मुस्तफ़ा की अदाओं को नहीं छोड़ सकता। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि ये क्या तू बातें कर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अमल कर, अमल कर। मेरे आका ने उसके जवाब में कहा फिर घबराता क्यों है, जहां मैं होऊंगा वहां तू होगा। हमारी तो भाई मजबूरी है कि हम जरा आहिस्ता आहिस्ता, गला गर्म होता है तो तकरीर तेज होती है लेकिन आपकी क्या मजबूरी है कि आप बड़े आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह मुतवज्जे हो रहे हैं और तेज हो रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं। आप भी तकरीरें कर करके आए हो या सुन सुन के थक गए हो? भाई आशिक कभी हजूर का जिक्र सुन के थकता नहीं है, जो थक गया वो हाथ खड़ा करें। जरा बड़ी उम्र के थे ना इसलिए सादा थे, हाथ खड़ा कर दिया, किसी जवान ने हाथ नहीं खड़ा किया हजूर का जिक्र हम जितना सुनते जाते हैं उतने तरोताजा होते जाते हैं। रात को मैं एक महफिल में 1:30 बजे पहुंचा, मैंने सोचा कि ये बेचारे थक गए होंगे, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जूं जूं जिक्र मुस्तफ़ा होता गया उनकी आँखों से नज़र, उनकी आँखों से नींद सुस्ती ऐसे दूर हुई कि उनको देख के ऐसे महसूस होता था कि इन पर मुस्तफ़ा की नज़र हो गई तो हजूर ने फरमाया तो फिर घबराता क्यों है, जहाँ मैं होऊंगा वहीं तू होगा। फिर थक गए हैं मेरा ख्याल है, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हाजी साहब आप कहेंगे तो ये कहेंगे सुभान अल्लाह। अब दूसरी हदीस इसके साथ, वो हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। हजूर को रात को वुजू कराया करते थे तहज्जुद के वक्त। आपको बड़ी हैरत हुई होगी कि हजूर तहज्जुद पढ़ा करते थे। अरे सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि हजूर पर 5 नमाजें नहीं 6 नमाजें फर्ज थी, उनमें एक नमाज तहज्जुद थी। अरे उस नबी के आशिक कहलाने वालों, तुम्हारे नबी पर तो 6 नमाजें फर्ज थी, इश्क का सबूत दो, मस्जिद में आके मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करो ताकि पता चल जाए कि हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे आका पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। घर आबाद हों और मस्जिद वीरान हों तो फिर रब के अजाब का डर रहता है। अगर मस्जिद में आने की तौफीक नहीं, जहां मौका मिलता है वहीं पर अपने सर को अल्लाह के सजदे में झुका दो। सफर में हों, हजर में हों, घर में हों, दुकान में हों, बाजार में हों, जहां मौका मिले रब के हुजूर अपने सर को झुकाओ ताकि पता चल जाए कि हम रब के बंदे हैं, मुस्तफ़ा के आशिक हैं। हज़रत रबिया हजूर को वुजू कराया करते थे, और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। ये किस किताब की हदीस है, बुलंद आवाज से? चलो यार अगर एक आध हदीस की किताब का नाम याद हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको। बुखारी शरीफ की हदीस है, और हदीस की 6 सही किताबों में
ये सबसे मुस्तनद और बड़ी हदीस की किताब है। हज़रत रबिया फरमाते हैं कि मैं रात को हजूर को वजू कराता था तहज्जुद के लिए, जितना थका हुआ होता था सोता था, मगर जब तहज्जुद में वजू कराने का वक्त आता था तो मेरी आँख खुद ब खुद खुल जाती थी। तो सहाबा ने पूछा कि आँख क्यों खुल जाती थी? उनका हजूर को जब मैं वजू कराया करता था तो हजूर चेहरे वद्दुहा उठा के मेरी तरफ देखते थे और मुस्कुराते थे और मुझे फरमाते थे रबिया तेरा क्या हाल है। बस उस एक अदा को देखने के लिए मेरी आँख खुद ब खुद खुल जाती थी। और एक रात आई कि वजू कराने के लिए जब पानी लेकर गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखें ऊपर ना उठाईं तो रबिया डर गए। अर्ज़ करने लगे आका कोई ग़ुलाम से गलती हो गई है? मेरे आका मुस्कुराए फरमाया नहीं गलती नहीं हुई, आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या दूँ। अरे हजूर से लेना चाहते हो तो बुलंद आवाज़ से कहो, झोली फैला के कहो अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया सल या रबिया, रबिया मांगो क्या मांगते हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ज़मीन मांग लो, मकान मांग लो, तिजारत मांग लो, रिश्ता मांग लो, शादी करा लो, नहीं, हजूर ने फरमाया सल, तेरे दिल में जो आता है मांग। ये तो वही कह सकता है ना जो सब कुछ दे सकता हो। जब मेरे आका ने फरमाया सल या रबिया, रबिया मांगो, मेरे उस्ताद मोहतरम इस मकाम पर फरमाया करते थे कि हम जैसा होता तो फौरन आगे लिस्ट रख देता कि मुझे हजूर ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन रबिया खामोश हैं। मेरे आका ने फिर पूछा कि रबिया सल मांगो क्या मांगते हो? फिर खुद खामोश है। फिर तीसरी दफ़ा मेरे आका ने फरमाया रबिया मांगो क्या मांगते हो? जब तीन बार मेरे आका ने फरमाया, अब रबिया कहते हैं मैंने कहा चुप रहा तो सूए अदब है, खिलाफ अदब है, लिहाजा अब बोलना होगा। अब रबिया जब बोले तो क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा अस आलू का मुराफ़क़त का फिल जन्ना। लोगो तुम सोचते होगे उन्होंने हजूर से दुनिया की हुकूमत इक्तदार या जन्नत मांगी होगी, कुछ नहीं मांगा। अर्ज करने लगे आका जिस तरह दुनिया मुझे देख के दूर से कहती है कि मुस्तफ़ा का खादिम आ गया, इसी तरह मैदान हशर में और जन्नत में जब लोग मुझे देखें तो पुकारें कि मुस्तफ़ा का खादिम आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। माशाल्लाह आप तो बड़े जज्बे वाले लोग हैं, शायद इमरान खान के दौर हुकूमत की महंगाई ने आपको थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। मेरे आका से कहने लगे हजूर मुझे जन्नत में, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत की नेमतें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं क़यामत के बाद जब जन्नत में आप जाएं तो वहां पर भी मेरे जिम्मा हो कि मैं आपकी खिदमत करूँ। लोगों ने कहा कि रबिया जन्नत मांग लेते, तो रबिया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर जन्नत मांगता तो हजूर तो देने को तैयार थे, लेकिन फिर जन्नत मिलती सुबह शाम हजूर का दीदार ना मिलता, मैंने हजूर की खिदमत मांग के सुबह शाम का दीदार ले लिया। अरे नादानों हजूर तो सबसे आला जन्नत में होंगे, मैंने हजूर से खिदमत मांग के जन्नतों में से सबसे बड़ी जन्नत में अपना क़याम हासिल कर लिया। अल्लाहु अकबर। अब ये जो जन्नतें बांटने का काम है ना, ये हजूर की शान नहीं है, इससे हजूर की शान बड़ी बुलंद है। ये जन्नतें तो हजूर के गुलाम बांटा करते हैं, ये जन्नतें तो हजूर के सहाबा बांटते हैं, ये जन्नतें तो अहले बैत बांटते हैं, ये जन्नतें औलिया अल्लाह बांटते हैं। और औलिया अल्लाह में एक शक्ल है वलियों की जिसे मजजूब कहते हैं। उनमें एक बड़े मशहूर वली हुए जिनका नाम था बहलोल दाना। क्या नाम था? बहलोल दाना। हारून और रशीद उसकी बीवी असर के बाद चहलकदमी कर रहे थे तो सामने देखा कि बहलोल दाना बैठा हुआ है और वो घरौंदे बना रहा था। घरौंदे समझते हैं आप, कि पांव के ऊपर मट्टी डाल के जिस तरह बच्चे खेलते हैं
वो इस तरह के छोटे छोटे घर और घरोंदे बना रहे थे। घरोंदे का माना छोटा घर। हारून और रशीद पूछता है, बहलोल ये क्या कर रहे हो? तो हज़रत बहलोल ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हारून और रशीद, ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे अब समझ आई कि आप थोड़ा शुरू में ढीले क्यों थे, कि मैं शायद लेट आया हूँ। आप वो गुस्सा कर रहे होंगे मुझ पर, लेकिन गुस्सा ना कीजिए, आज मिलाद का दिन है, आज तो गुस्से ख़त्म करके एक दूसरे को मनाने के दिन है। बहलोल ने कहा कि जन्नत है। ज़ुबैदा ने फौरन पर्स से पैसे निकाले और पूछा कि जन्नत कितने में दोगे? उसने कहा कि 5 दिरहम में दूंगा। ज़ुबैदा ने 5 दिरहम बहलोल दाना को दिए, उसे कहा मुझे जन्नत दो। तो बहलोल दाना ने एक घर जो बना हुआ था उसके गिराया और कहा जा, तेरा जन्नत में घर बन गया। जिनको जन्नत चाहिए वो बुलंद आवाज से कहें। आपको अगर ज़िद है तो ज़िद मुझे भी आ गई है। और ये मोहब्बत की ज़िद और दीन की ज़िद, हजूर के ज़िक्र की ज़िद बड़ी अच्छी होती है। आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो मैं तकरीर जारी रखूँगा। जा तेरा घर जन्नत में हो गया। अब हारून और रशीद कहने लगा कि ये औरतें बड़ी कमज़ोर होती हैं अकीदे की। अरे बीबी, ये कोई जन्नत थी जिसे तूने 5 दिरहम में ख़रीदा है? ज़ुबैदा खामोश रही। रात को जब हारून और रशीद सोया तो क्या देखता है, सारी सामने जन्नतें ही जन्नत हैं। एक दरवाजे पर, दूसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे पर, चौथे पर। एक दरवाजे पर जब गया तो उस पर लिखा था कि ये जन्नत ज़ुबैदा की है। हारून और रशीद वहाँ रुक गए और कहने लगे कि ये जन्नत ज़ुबैदा की क्यों है, कब से है? तो जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि ये कल ज़ुबैदा ने बहलोल दाना से ख़रीदी है। किससे ख़रीदी है? बहलोल दाना से। अब हारून रशीद सुबह उठा था, बड़ा परेशान था कि काश एक जन्नत मैं भी ज़ुबैदा के साथ ख़रीद लेता। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज फिर निकलेंगे असर के वक्त, रास्ते में देखेंगे कि बहलोल दाना बैठा हुआ है, तो आज मेरी भी किस्मत जाग जाएगी। अब ज़ुबैदा के साथ हारून और रशीद फिर निकला सैर के लिए। दूर देखा कि बहलोल दाना बैठे हुए हैं। हारून और रशीद कहते हैं कि मेरे जान में जान आ गई, और मैंने देखा कि आज भी घरोंदे बना रहा हूँ, तो देखा थे वो घरोंदे बना रहा था। हारून और रशीद आज पूछता है, बहलोल यह क्या है? उसने कहा जन्नत के महल हैं। कहा कितने में दोगे? ज़रा जुमला सुनिए, अपने सीने पर हाथ रख के दिल को थाम के सुनिए। बहलोल से पूछता है ये जन्नत कितने की है। बहलोल दाना कहते हैं, एक हाथ में सारी अपनी हुकूमत और रियासत दे, दूसरे हाथ से जन्नत ले ले। मैं अपनी तरफ से जुमले बोल रहा हूँ, बहलोल दाना ने नहीं कहा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि हारून और रशीद हैरान हो गया कि एक दिन में इतनी महंगाई, कल 5 दिरहमों की थी, आज पूरी रियासत देनी पड़ेगी मुझे। अल्लाह अकबर। हजरत बहलोल दाना ने जब देखा कि हारून और रशीद का दिल कांप गया कि मेरी तो सारी हुकूमत और इख्तदार देना पड़ेगा इस दरवेश को और मुझे जन्नत मिलेगी। अभी तजज्जुब में ही था, बहलोल दाना ने कहा कि पूछता क्यों नहीं, इतनी महंगी क्यों हो गई? इतनी महंगी क्यों हो गई? कल 5 दिरहमों में आज इतनी बड़ी रियासत दे के तुझे जन्नत मिलेगी? तो बहलोल दाना ने कहा कि पता है कि कल 5 की क्यों थी, आज पूरी रियासत क्यों देनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि कल ज़ुबैदा ने सौदा किया था बिन देखे, आज तू सौदा कर रहा है देखने के बाद। इसने अल्लाह के वली पर एतमाद किया और एतमाद करते हुए जन्नत का सौदा किया, इसलिए 5 दिरहम थे, आज पूरी रियासत देनी पड़ेगी। जब हारून परेशान हुआ तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि वलियों की एक अलामत यह भी होती है कि वो सखी होते हैं, उनकी शख्सियत पर मुस्तफा की सखावत की छांव होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत।
हारून रशीद को जब परेशान देखा कि जन्नत भी लेना चाहता है हकूमत भी रखना चाहता है, तो बहलोल दाना ने दो पांव मारे। एक पांव उस घरोंदे को मारा और कहा जा हारून रशीद तेरी भी एक जन्नत का महल बन गया, और दूसरे पांव की ठोकर मार के कहा जा जिस इख्तदार के लिए तेरी जान निकलती जा रही है, रब के वलियों की ठोकर में है वो इख्तदार, वो रब के वलियों की ठोकर में है वो हकूमत, वो सल्तनत। और क्या वो शेर नहीं सुना आपने कि इश्क वालों ने कहा तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। ये जन्नत बांटना तो ये तो हजूर के गुलाम बांटते हैं, ये हजूर के गुलामों की शान है कि जन्नतों को बांटते हैं। हजूर की शान तो इससे बहुत बुलंद है। इंशाल्लाह हम असर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। बस मेरे साथ आप सफ़र करते जाइए फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर। इंशाल्लाह हम जिक्र मुस्तफ़ा करते करते मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँच के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया के अगर तू मुझसे प्यार करता है तो याद रख जहां मैं हूंगा वहीं तू होगा। अब आइए, जब जिक्र मुस्तफ़ा करने का हमें हवाला और सबूत कुरान से मिलता है, अल्लाह से मिलता है, तो फिर हम क्यों ना जिक्र मुस्तफ़ा करें, फिर हम क्यों ना हजूर के चर्चे करें, फिर हम क्यों ना हजूर का मिलाद पढ़ें, हम क्यों ना हजूर की सीरत बयान करें, हम क्यों ना हजूर के मोजज़ात बयान करें, हम क्यों ना हजूर के फजाइल बयान करें, हम क्यों ना हजूर के मनाकिब बयान करें, हम क्यों ना हजूर के सहाबा का जिक्र करें, हम क्यों ना अहले बैत का जिक्र करें, इसलिए कि इन सब चीज़ों का जिक्र भी जिक्र मुस्तफ़ा है। आइए मैं बात को समेटना चाहता हूँ, नमाज की तरफ हम जाना चाहते हैं। अब कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने वो इबादत जिसे हम नमाज कहते हैं, जो सबसे अफजल इबादत है, उसके लिए काबे का होना ज़रूरी है, किबला का होना ज़रूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए तो नमाज पढ़ते थे बैतुल मक़दस की तरफ मूव करके। यहूद ने ताने मारे, ये जो दुश्मन होते हैं मुखालिफ होते हैं इनका काम सिर्फ तानाजनी होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उनके ताने पहुँचे तो हजूर का दिल गमजदा हुआ। ताना क्या था? वो कहते थे कि शरीयत अपनी और किबला हमारा, या तो हमारी शरीयत ले लो अगर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, अगर शरीयत अपनी देनी है तो फिर बैतुल मक़दस को छोड़ दो, कोई और किबला बना लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बड़ी गरां गुजरी ये बात उनकी। नमाज असर पढ़ना शुरू कर दी। जब नमाज असर पढ़ना शुरू की तो रब की तरफ आसमान की तरफ मुंह उठा उठा के बुलंद करके हजूर बार बार देखते थे। कुर्बान जाऊं कि जब हजूर ने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया रब को ये अदा भी इतनी पसंद आई, फरमाया कद नरा तकल्लुब वजह का फिस्समा, ऐ प्यारे हम तेरा चेहरा जो आसमान की तरफ उठ रहा है हम इसे देख रहे हैं। और अगला हिस्सा क्या है? फरमाया फाला नोवल्ले यन्ना का किबला तन, हम तुझे बदल देते हैं उस किबला की तरफ। अल्लाह किस किबला की तरफ? लोग कहते हैं कि ये जो बैतुल्ला हमारा किबला बना ये अल्लाह ने बनाया। मुझे एक आयत तो दिखा दो कहीं पर कि जिससे ये साबित हो कि बैतुल्ला को किबला अल्लाह ने बनाया है। वो कहते हैं ये आयत है फ़ला नवल्ले यन्ना का किबला तन, किबला तन, कि रब कहते हैं हम तुम्हें फेर देंगे किबला की तरफ। हाफिज़ साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए फ़ला नवल्ले यन्ना का किबला तन, कि हम तुम्हें फेर देंगे किबला की तरफ, किबला की तरफ। आगे रब चुप हो जाता है, बैतुल्ला का नाम नहीं लेता। अब हजूर पूछते हैं अल्लाह के कि बता मैं किसे अपना किबला बनाऊं? कुर्बान जाऊं हजूर की अजमत के मकाम को देखिए, फरमाया किबला तन तरदा, ऐ प्यारे आज जिस पर तू हाथ रख देगा हम उसे क्यामत तक तेरी उम्मत का किबला बना देंगे। किबला तन तरदा, काश आपको भी थोड़ी थोड़ी अरबी आती होती तो इन जुमलों से आप भी लुत्फ़ लेते, मज़ा लेते। किबला तन तरदाहा,
ऐ प्यारे आज हम किबला नहीं बनाएंगे, जिस पर तू राजी होगा हम उसे तेरा किबला बना देंगे। ये जो बैतुल्ला किबला बना है ये इसलिए बना है कि इस पर मुस्तफा की नजर पड़ गई। अरे जिस पर मुस्तफा की नजर पड़ जाए वो अल्लाह का महबूब होता जाता है, वो अल्लाह का मुकर्रब होता जाता है, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अब आइए बैतुल्ला की मैं आपको बात सुनाता हूं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो दौरे हकूमती तवाफ फरमा रहे थे, तो जब हजर असवद के पास पहुंचे तो आप हजर असवद से मुखातिब होते हैं, क्या कहते हैं आप? फरमाते हैं हजर असवद अगर मैंने तुझे मुस्तफ़ा को चूमते हुए ना देखा होता तो मैं कभी तुझे बोसा ना देता। आप ये तीन दफ़ा आपने फरमाया, और फिर आपने जब हजर असवद को चूमने लगे तो आपने फरमाया मैं तुझे नहीं चूम रहा, मैं मुस्तफ़ा के लबों को तलाश कर रहा हूँ, काश मेरे लब वहाँ लग जाएं जो मुस्तफ़ा के लब लगे हैं। मैं तो इसी जद्दोजहद में आता हूँ तुझे चूमने के लिए कि मेरे भी लब वहाँ लग जाएं जहाँ मुस्तफ़ा के लब रखे लगे हैं। अब किबला अगर बना तो हजूर ने चाहा, हजूर ने इंतखाब फरमाया, हजूर ने अल्लाह से दरख्वास्त की अल्लाह मेरा किबला बैतुल्ला बना दे, तो रब ने फरमाया फला नवल्ले यन्ना का किबला तन तरदाहा, हम तुझे उसी किबला की तरफ मोड़ रहे हैं जिसे तू किबला बनाने पर खुश है। अब देखिए कि नमाज इतनी बड़ी इबादत जिसके लिए किबला ज़रूरी है, उस किबले का तायुन भी अल्लाह खुद नहीं कर रहा, मुस्तफ़ा कर रहे हैं। अब बताइए ये जो आयत है इस आयत में हजूर का जिक्र नहीं है, और कितना खूबसूरत जिक्र है, जरा फिर सुनिए। फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहका फिस समा, ए प्यारे तेरा चेहरा जब आसमान की तरफ उठता है तो तेरे उठते हुए चेहरे को हम तक रहे हैं, हम तेरे उठते हुए चेहरे को देख रहे हैं। क्या अल्लाह को कोई और काम ही नहीं था? फरमाया ना ना, जब मेरे प्यारे की बात आती है तो मैं सारी कायनात से तवज्जो हटा के अपने मुस्तफ़ा पर कर लेता हूँ। कद नरा तकल्लुबा तरदा, कि प्यारे जो तू राजी होगा जिस पर हम उसे तेरा किबला बना देंगे। अब सुनिए, दो रकातें हजूर पढ़ चुके थे, कितने रकातें पढ़ चुके थे? दो रकातें, और ये आयत उतरी, आका ने अल्लाह से अर्ज़ की अल्लाह असर की नमाज है, दो रकातें पढ़ी हैं बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके, मैं आज असर की नमाज इसी किबला की तरफ ना पढ़ लूँ मुंह करके? फरमाया ना प्यारे, मेरी इबादत बाद में मुकम्मल होगी, तेरी रज़ा पहले पूरी होगी। अब दो रकातें तूने बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ ली हैं, नमाज की हालत में अपना मुंह उधर कर ले जिधर तू चाहता है। और वो एक मस्जिद है मदीना शरीफ में जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद, दो किबलों वाली मस्जिद। वो दो किबलों वाली मस्जिद क्यों बनी? हजूर ने जब नमाज शुरू की तो मुंह बैतुल मक़दस की तरफ था, दो रकातें पढ़ी, और जब नमाज ख़त्म की दो रकातें बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ी, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, मुख्तलिफ समत है। आप मस्जिद क़िबलतैन में जाएं, काबा इधर है, बैतुल मक़दस इधर है, हजूर पूरे घूम गए और पूरे घूम के बैतुल्ला की तरफ मुंह कर दिया। रब ने बता दिया अरे मेरा हबीब जिधर जिधर घूमता जाए तुम घूमते जाओ, यही दीन है, यही शरीयत है, यही तरीकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आइए बात को नुक्ता इश्क पर पहुंचा के खत्म करते हैं। इधर हजूर का मुंह था, हजूर ने इधर मुंह किया, बिल्कुल मुख्तलिफ समत में। जब हजूर इधर मुंह करके इमामत फरमा रहे होंगे तो सहाबा हजूर के पीछे थे, और जब हजूर ने इधर मुंह किया अब क्या हुआ कि हजूर ने इधर मुंह किया, सहाबा अपनी सफ़ों को छोड़कर चलते हुए आए और मुस्तफ़ा के पीछे खड़े हो गए। अल्लाह हमारी नमाज हो गई इसलिए कि नमाज में चलते रहे। फरमाया चल के जो तुमने नमाज पढ़ी है ये कबूल है, इसलिए कि तुम इसलिए चले हो कि मुस्तफ़ा चला था।
अगर मेरा हबीब नमाज में चले और उसकी सुन्नत समझ के तुम भी नमाज में चलना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। एक और हदीस सुनाता चलूं। मैंने मौजू ये बांधा है कि हम जिक्र मुस्तफा अगर हम करते हैं तो वैसे नहीं करते। खुदा की कसम, हमें मोड़ मोड़ पर खुद खुदा जिक्र मुस्तफा करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं कुरान पाक से चंद आयतें लिख के लाया था आपको सुनाने के लिए, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया, वक्त बड़ी तेजी से खत्म हो गया, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अरे हजूर की तारीफ तो बड़ी बात है, हजूर की मिद्दत का मीम भी क्यामत तक भी हम जिक्र करें तो खत्म नहीं होता। ये तो हम जिक्र इसलिए करते हैं हर साल कि अल्लामा इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, जिस जगह जिस इलाके में जिस मोहल्ले में एक दफा साल में महफिल मिलाद हो जाए, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते पूरा साल उस इलाके की हिफाजत करते हैं। ये तो हम इसलिए करते हैं, ये तो हम इसलिए करते हैं कि मिलाद अबू लहब ने किया, बुखारी की हदीस है, अबू लहब ने किया मिलाद हजूर का, और काफिर मरा, और छोटा मोटा काफिर भी नहीं बल्कि कुरान ने जिसके बारे में आयत नाजिल की, सूरत नाजिल की, तब्बत यदा अभी लहब तब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, इतना बड़ा काफिर था। जब मरा, पीर का वक्त जब आता है दिन और हजूर की विलादत का लम्हा आता है, जब उसने हजूर की मिलाद पर खुशी मनाई थी, रब फरिश्तों से कहता है कि इसके अजाब को कम कर दो, और जिस उंगली से इसने इशारा किया था और अपनी बांदी को हजूर की विलादत की खुशी में आजाद किया था, उस उंगली का कनेक्शन हौज कौसर से जोड़ दिया जाता है। अब कुरान पाक की आयात है, हुफाज तशरीफ फरमा है, रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया ला युखफ्फफु अनहुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, काफरों से अज़ाब की कमी नहीं होगी ना उनकी मदद होगी। जब रब फरिश्तों से कहता है कि इसके अज़ाब को कम कर दो और इसे ठंडा मशरूब पिलाओ, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा कुरान में कानून तो ये है कि काफरों के अज़ाब में कमी नहीं होती, तो तेरा उसूल जो अटल है वो टूटता है। अल्लाह कहता है मेरा उसूल टूटता है तो टूटने दो, लेकिन मैं मुस्तफ़ा की अदाओं की मोहब्बत की अदाओं को सलाम कहना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर कोई काफिर भी मेरे हबीब की खुशी में खुश होगा, मैं उसके कुफर को नहीं देखूंगा बल्कि मुस्तफ़ा के मिलाद को देख के उसे उस लम्हे जन्नत से मशरूब भी पिलाऊंगा और उसके अजाब में भी कमी करूँगा। आइए मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, बात को समेटना चाहता हूँ, बात को एक नतीजे पर पहुँचाना चाहता हूँ कि हम जिक्र मुस्तफ़ा का इसलिए करते हैं कि हमें खालिक भी मुस्तफ़ा के जिक्र में नज़र आता है। आखिरी हदीस सुन लीजिए, लेकिन इस शर्त पर कि आप इस हदीस को याद रखेंगे। याद रखेंगे आप? जो नहीं याद रखेंगे हाथ खड़ा करें, हूँ तो बड़े भी सियाने हो गए ने, जिन्होंने पहले भूल के हाथ उठा दिए थे अब नहीं उठाया उन्होंने। अल्लाह अकबर, वो क्या हदीस है कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद इसलिए मनाते हैं कि जब हजूर पैदा हुए तो अल्लाह ने हजूर के मिलाद की खुशी मनाई है। उसके लिए दो बातें मैं करके हम ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी 35 मिनट हैं नमाज असर तक, असर के अदा करने के, बस मैं चंद मिनटों में बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आपने मुझसे वादा किया है कि आप ये हदीस याद करके जाएंगे, याद करके जाएंगे। और अगर आप हर जलसे में दो दो बातें याद करना अब तक शुरू कर देते तो अब तक आप भी आलिम बन चुके होते। पता है मौलवी तो खतीब तो आलिम की कहते हैं, पता है आपको? वो कहते हैं अल्लाह करे अवाम द हाफजा मजबूत ना होवे, कमज़ोर ही रहे। भाई क्यों कमज़ोर रहे? उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने सारी बातें याद कर ली, हम जब आके तकरीर करेंगे तो ये तो कहेंगे कि ये भी सानू पता है, अगली गल करो। वो अगली गल करेगा, वो कहेंगे बजमा जनाब ये भी हमें पता है, इसे अगली बात करो। वो अगली बात में करूँगा, फिर कहेंगे जनाब ये भी हमें आती, अगली बात करो। वो कहते हैं अल्लाह ताला इनके हाफ़िज़ों को कमज़ोर ही रखे।
आज अहद कर लो कि हर महफिल में जाते हुए जिस आलिम की, जिस खतीब की, जिस मुकर्रर की तकरीर सुनोगे, हजूर के इश्क का सदका कह के कहता हूँ तुम्हें, हजूर के इश्क का वसीला कह के कहता हूँ तुम्हें, कि एक घंटे की तकरीर में हजारों जुमले ये खतीब बोलता है। अरे हजारों नहीं याद कर सकते जुमले, तो एक ही जुमला हजूर की मोहब्बत का याद कर लो, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें हजूर के इश्क से दूर नहीं कर सकेगा। और वो दो जुमले क्या हैं, वो दो जुमले क्या हैं कि रब्बुल आलमीन ने हजरत इसराफील को बुलाया और बुला के पूछा, बता मक्का में कितने घरों में बेटियां पैदा होंगी, कितने घरों में इस साल बेटे पैदा होंगे। तो इसराफील अलैहिस्सलाम ने सारा हिसाब सामने रख दिया। रब ने फरमाया, मेरा हबीब पैदा हुआ है, इस साल मक्का के किसी घर में बेटी पैदा नहीं होगी। अल्लाह क्यों नहीं बेटी पैदा होगी, तू तो खुद कहता है कि बेटियां और बेटे मेरी तखलीक है। और हजूर ने फरमाया, जिसके घर में चार बेटियां पैदा हों और वो बाप उनकी तरबियत करे, तालीम दे, उनकी शादी कर दे, क्यामत के दिन तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ अल्लाह के अर्श पर इस तरह होगा, यानी ये मैं और ये मेरा वो उम्मती, इतना बड़ा दर्जा है। अल्लाह ये फैसला क्यों किया तूने? अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन हजरत इसराफील से कहेंगे, इनकी रस्म बद है कि बेटी पैदा हो तो रोते हैं। हम लोग रोते तो नहीं बेटी पैदा होने पर, लेकिन घर को ताले और मुंह हमारे लटक जाते हैं कि मेरी बेटी पैदा हो गई, बस हमने रोना छोड़ा है, बाकी सारी बातें हमारी भी वही हैं। ऐसे है या नहीं है? मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैंने अस्पताल में मिठाई बांटी, घर मिठाई बांटी, तो मेरे मुरीद और मिलने वाले हैरान थे कि मिठाई बांटी जा रही है बेटी के पैदा होने पर। मैंने कहा, इसलिए मैं बेटी के पैदा होने पर मिठाई बांट रहा हूँ कि मेरे आका ने फरमाया है, जो बेटियों को तरबियत दे के उनकी शादियाँ करेगा वो क़यामत का दिन मेरे साथ अर्श पर होगा। बेटे के बारे में नहीं है, बेटी के बारे में है। अल्लाह के बंदो, बेटियों के पैदा होने पर खुशी मनाया करो, इसलिए कि अगर बेटे हैं तुम्हारे लिए दुनिया में इज्जत का सामान है, तो बेटियाँ तुम्हारे लिए आखिरत में इज्जत का सामान है। दुनिया की जिंदगी 60-70 साल है, लेकिन जन्नत की जिंदगी ना खत्म होने वाली है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि किसी घर में बेटी ना हो, फरमाया इसलिए कि इनके रस में बद है कि ये बेटी के पैदा होने पर रोते हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे हबीब की विलादत का साल हो किसी घर में रोना हो। मैं चाहता हूँ हर घर में पूरा साल खुशियाँ हों, खुशियाँ हों, खुशियाँ। इसलिए फरमाया, ए दुनिया वालों, ए मक्का वालों, मैं तुम्हें इस साल हर घर में बेटे दूंगा और ये बेटा तोहफा होगा मेरे हबीब के मिलाद का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे सुन्नत। आइए, ये महफिल कबूलियत की तरफ बढ़ रही है और आपकी मोहब्बत और जज्बे और शौक़ को देख के मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अब हम सब पर आका की नज़र करम हो रही है। फरमाया कि मैं अपने हबीब की विलादत की खुशी में मक्का वालों को तोहफा देना चाहता हूँ, और वो तोहफा ये कि हर घर में इस साल बेटा पैदा होगा। इसराफील चले गए, जिब्राइल को बुलाया, एक हदीस ये थी इसे याद कर लो, दूसरी हदीस जिब्राइल को बुलाया, ए जिब्राइल आ जाओ इधर, अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया, एक झंडा उठाओ, जाके बैतुल्लाह की छत पर लगाओ, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, इतनी आवाज से बुलंद आवाज हो कि बैतुल्लाह तक पहुंच जाए। बैतुल्लाह की छत पर झंडा लगाओ। अल्लाह ये झंडा किस लिए? फरमाया, इसलिए कि मेरा हबीब वादी मक्का में जलवा घर हो चुका है। झंडा लगा के आए जिब्राइल, फरमाया दूसरा झंडा उठा लो। अल्लाह ये कहाँ लगाना है? फरमाया मेरे अर्श पर लगा दो। अल्लाह मक्का में तो लगाया कि तेरा हबीब पैदा हुआ तो अर्श पर क्यों? फरमाया तुझे नहीं पता कि मेरे हबीब ने इस अर्श पर भी आना है, और इस तरह मेरा हबीब
मक्का से अर्श पर आएगा, अर्श से मक्का जाएगा, जिस तरह कोई एक घर से निकलता है दूसरे घर में दाखिल होता है। और वो ईमान अफरोज वाकया कि हजूर जब अर्श पर जाने लगे तो आप रुक गए। अल्लाह ने पूछा क्यों रुक गए हो प्यारे? कहा अल्लाह इसलिए रुक गया हूँ कि मैं अपने जूते नालायन मुबारक ना उतार लूँ। फरमाया नाना प्यारे नालायन ना उतारना। कहा अल्लाह वो वादी तूर जिसमें तू नहीं था, तेरी तजल्ली थी, उस पर जब मूसा आ रहे थे तो तूने कहा था फखला नाले, जूते उतार के आना, इन्ना का बिलवादिल मुकद्दस है तुआ, कि ये वादी मुकद्दस है इसलिए रब की तजल्ली इस पर है, इसलिए जूते उतार के आ, इस पर तो तू खुद जलवागर होता है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने नालायन उतार दूं। फरमाया ना मेरे प्यारे, वो मूसा कलीम था, तू मोहम्मद हबीब है। फरमाया अर्श पर भी झंडा लगा दो और दुनिया वालों को बता दो कि मुस्तफ़ा का एक घर मक्का और मदीना में होगा, दूसरा घर खुदा के अर्श पर होगा। फरमाया जिब्राइल ये तीसरा झंडा भी उठा लो। अल्लाह ये कहाँ लगाना है? अल्लाह जो अब तक नहीं बोले वो बोल पड़े, क्योंकि झोलियाँ उन्हीं की भरी जानी है जो हजूर का जिक्र सुने भी, हजूर का जिक्र करें भी। फरमाए तीसरा झंडा ले लो और बैतुल मकदस की छत पर लगा दो, बैतुल मकदस की छत पर लगा दो। जब लगा दिया झंडा, अल्लाह से हजरत जिब्राइल पूछते हैं अल्लाह बता तो सही कि बैतुल मकदस क्यों? फरमाया मेरे हबीब ने शब असरा शब मेराज बैतुल मकदस जाना है और 1,24,000 नबियों ने सफ बना के मुक्तदी बनकर मेरे हबीब की इमामत में नमाज पढ़ के ऐलान करना है। हम तो गुलाम अंबिया और रसूल थे, ये आका और इमाम नबी और रसूल है। यारो हम अगर नाखुशी मनाएं हजूर के आने पर तो कौन मनाएगा? ये तो वो जात है कि जिनके बारे में जब रब की बातें मूसा ने सुनी तो चेहरा उतर गया। रब ने पूछा मूसा तेरा चेहरा क्यों उतर गया, अफसुरदा क्यों हो गया? क्या मेरे हबीब का जिक्र सुन के चेहरे अफसुरदा होने चाहिए? क्या अल्लाह जिक्र सुन के नहीं, मैं अपनी किस्मत पर सोच रहा हूँ। फरमाया क्या सोच रहे हो? क्या अल्लाह मुझसे नबूवत ले ले, मुझसे रिसालत ले ले, सारे मनसब ले ले, तो फिर क्या दूँ तुझे? फरमाया अल्लाह ये सारी नबूवत और रिसालत के ताज वापस करके मुझे अपने प्यारे हबीब की उम्मत ही बना दे। कभी सोचा आपने कि रब ने आपको कितनी बड़ी शान दी है? कभी सोचा आपने कि फ़ख्र करने वाली बात तो निस्बत रसूल थी, फ़ख्र करने वाली बात तो जिक्र मुस्तफ़ा था, फ़ख्र करने वाली बात तो जिक्र मिलाद था, लेकिन हम फ़ख्र करते हैं दुनिया पर, दुनिया के मता पर, दुनिया की ओहदों पर। अरे ये दुनिया, दुनिया के मता और मनसब और ओहदे खत्म हो जाएंगे जिस दिन आँख बंद हो जाएगी, अगली सारी जिंदगी में काम आएगी, मुस्तफ़ा के निस्बत काम आएगी। अब ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की पैदाइश पर खुशी मनाई, झंडे लगाए और बेटे बांटे। आपने तो एक दिन के लिए तोहफे लंगर खाना आप बांट रहे हैं, अरे रब की सुन्नत यह है कि हजूर की विलादत की खुशी में पूरा साल लोगों को खिलाओ पिलाओ, जिक्र मुस्तफ़ा करो। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि बारी ताला हाजी रियाज साहब, इनके भाई और इनका जो भाई उमर दराज बाहर हैं और जितने इनके रिश्तेदार बाहर हैं, मुझे एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, यकीन जानिए मुझे वहाँ जाके ऐसे महसूस हुआ कि मैं पेरिस में नहीं घूम रहा, मैं बुरहान की बस्ती में घूम रहा हूँ। ये वो ख़ानदान है जिनके रग रग में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, अपने रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत और उलमा की मोहब्बत डाली हुई है। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कायम रखे और अल्लाह इनके दर्जात, इनके दुनियावी उखरवी दर्जात को बुलंद फरमाए। और जितने यहाँ आए हैं लोग, अल्लाह इन सब की झोलियाँ भर दे। आमीन। जितनी मेरी बेटियाँ माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, अल्लाह इनकी भी सारी मुरादें पूरी कर दे। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ऐ बारी ताला इस जलसे के इंतज़ाम करने वालों को अपनी खजाना ख़ास से अता फरमा। ऐ बारी ताला इस महफिल में मेहनत करने वाले, काम करने वाले, कोशिश करने वाले, झंडियाँ लगाने वाले, दरियाँ बिछाने वाले, सटाई चलाने वाले, ऐ अल्लाह इन सब के घरों को रौनकों से, खुशियों से भर दे।
बारी ताला जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनके दिलों में जो जो आरजू हैं अल्लाह सारी आरजूएँ पूरी फरमा दें, इनकी जो जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह सारी ख्वाहिशात पूरी फरमा दें। ऐ बारी ताला इस महफिल में जितने बीमार बैठे हैं अल्लाह उन सब बीमारों को सेहत अता फरमा दें। ऐ अल्लाह इनके जो रिश्तेदार आयज़ा कारे बीमार हैं घरों में हस्पतालों में आए अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा दें। और इस पाक महफिल का सदका हम में से जिन जिन के वालिदैन आयज़ा कारे रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गए आए अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दें। और इस मिलाद का सदका अल्लाह उन में से हर एक को कब्र में प्यारे आका का दीदार नसीब फरमा दें। ऐ बारी ताला जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह की शहादत अता फरमा, इन्हें रोज़े रसूल पर हाजिरी नसीब फरमा, अल्लाह मदीना की रातें अता फरमा, मदीना के दिन अता फरमा, मदीना की सुबहें अता फरमा, मदीना की शाम अता फरमा, मदीना के नाश्ते मदीना के खाने नसीब फरमा, मदीना की नमाजें अता फरमा, मदीना की तिलावतें अता फरमा। आए अल्लाह मरने से पहले अपने हबीब का गुंबद खजरा दिखा दे। हमने जो जिक्र मिलाद किया और जिक्र मिलाद सुना अल्लाह इसे अपनी बहरगाह में कबूल फरमा लें, अल्लाह इसे अपनी बहरगाह में कबूल फरमा लें। अल्लाह जिनके बेटियाँ और बेटे जवान हैं अल्लाह हज़रत खातून जन्नत के पाँव की धूल का सदका इनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दें। और जिन घरों में लड़ाई और झगड़े हैं अल्लाह उनमें मोहब्बत और प्यार अता फरमा दें। आए अल्लाह जो शादी के बाद औलाद से महरूम है आए अल्लाह उनको हसनैन करीमैन की हसनैन करीमैन के चमकते हुए मुखड़ों का वास्ता उनको औलाद अता फरमा दें, नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाब अन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही محمد و علیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز اللہ لنگر دین تمام ہے حاجی صفے بنا لیں روز دی بیٹھک تے مرائے مہربانی کر کے ہر بندہ لنگر کھا کے منے ٹائم اذان دے دیں چل ذرا جلدی اذان